स्वागत है दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल सत्यम आर मैकेनिक पर। दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए एक बल्ब को दो जगह से कैसे चालू या बंद करते हैं इसका वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ना समझ में आए तो कमेंट करके हमें बताइएगा। तो ये दोस्तों देखते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे कहते हैं। तो दोस्तों एक बल्ब को दो जगह से चालू या बंद करने के लिए हमें दो टू वे स्विच की आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि टू वे स्विच में तीन पोल होते हैं, एक L1 होता है, एक कॉमन होता है, एक L2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका कनेक्शन देखते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, ठीक है, एक टू वे स्विच के L1 और दूसरा का टू वे स्विच के L1 से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, और फिर नीचे जो है एक टू वे स्विच के L2 और दूसरे टू वे स्विच के L2 को एक से हम कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों बीच में बच जाता है हमारा बस कॉमन। दोस्तों उसके बाद से ये न्यूट्रल हो गया और ये फेस हो गया। दोस्तों देखिए उसके बाद से हम करेंगे क्या, एक फेस यहाँ पर चला जाएगा, जो फेज आएगा हम लोग का वो यहाँ पे चला जाएगा, और एक कॉमन से निकल के हमारे बल्ब के एक टर्मिनल पे चला जाएगा, और ये जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट हमारे बल्ब के एक टर्मिनल पे जाके जुड़ जाएगा। दोस्तों यही इतना ही, बस इतना ही सिंपल सा इसका डायग्राम।